हरियाणा में इस बार कपास उत्पादकों की बल्ले बल्ले हो रही है। कपास की फसल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई है। हरियाणा की कई मंडियों में मंगलवार को कपास 9600 रुपए से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। वहीं सिरसा में कपास 10,097 रुपए प्रति क्विंटल पर तो भट्टू में 9450 रुपए प्रति क्विंटल पर नरमा बिकता दिखाई दिया। हरियाणा में इस बार कपास उत्पादकों में संतोष का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बार बेमौसम बरसात से हरियाणा में फसल को खासा नुकसान भी हुआ है। हालांकि कॉटन अभी भी एमएसपी से अधिक दाम पर बिक रही है और बाजार भाव में पिछले दिनों गिरावट भी दर्ज की गई थी। बिचौलियों और कारोबारियों का आंकलन है कि अब गिरावट आने की संभावना कम है और कपास के दाम में उछाल आ सकता है। वैसे भी अगर जब इस दाम पर भी कपास बिक रहा है तो उससे भी किसान काफी खुश है। माना जा रहा है कि इस बार कॉटन के दाम ठीक रहने की वजह से अगले खरीफ सीजन में कॉटन के रकबे में बढ़ोतरी हो सकती है। करीब 6.5 लाख हेक्टेयर में कॉटन की फसल है और नरमा चुगाई का सिलसिला पूरी तेजी से चल रहा है। सिरसा में सबसे अधिक 2,08,000 हेक्टेयर जबकि फतेहाबाद में 90,000 हेक्टेयर में कॉटन की फसल है। भारत में इस बार कपास का रकबा 7% बढ़ा है। इस बार कपास के अच्छे दाम मिलने के बाद कपास उत्पादक किसान काफी संतुष्ट हैं और माना जा रहा है कि इससे हरियाणा की खेती की तस्वीर में भी बदलाव आएगा। हरियाणा की मंडियों में पिछले कई दिनों से कपास की आवक जारी है और कई मंडियों में तो समय से पहले ही आवक देखने को मिली थी। दरअसल सफेद सोने का रकबा घटने का मुख्य कारण पिछले करीब 2 दशकों में धान की फसल की ओर किसानों का रुझान बढ़ना था। हरियाणा गठन के समय धान का रकबा केवल 1,83,000 हेक्टेयर था जो 2008-09 में 12 लाख हेक्टेयर तो 2022 में 13 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। पर अब फिर से किसान सफेद सोने की खेती की ओर लौट रहे हैं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल मेरा पानी मेरी विरासत योजना का प्रभाव ही रहा कि रिकॉर्ड 36,000 हेक्टेयर तक नरमे का रकबा पहुंच गया जो हरियाणा के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि पहले 2019-20 में 7,22,000, 96-97 में 6,49,000 जबकि 97-98 में 6,38,000 हेक्टेयर में रकबे पर नरमे की काश्त की गई थी। 2004-05 में भी 6,21,000 हेक्टेयर रकबे पर नरमे की कशा की गई थी और अब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही किसानों का रुझान भी नरमे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 37 लाख कृषि योग्य भूमि है और खरीफ सीजन में प्रदेश में नरमा कपास धरती पुत्र की पहली पसंद रही है। पिछले कुछ समय से जमींदारों की पसंद में भी बदलाव आया और नरमे का स्थान धान लेता जा रहा था लेकिन प्रदेश के गठन के समय 1,83,000 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की जाती थी और नरमे का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक था। अब आधुनिक उपकरण आगे और सिंचाई के साधन बढ़ने के साथ धान का रकबा भी निरंतर बढ़ता गया है लेकिन साथ साथ अब किसान एक बार फिर से कपास की तरफ रुख करते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर कपास की बुआई में इजाफा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।